विज्ञान और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंजीनियरिंग के जरिए इंसान ने ऐसे ऐसे नमूने तैयार किए हैं जिन्हें देखकर आंखों को यकीन नहीं होता। शायद आपने अभी तक ट्रेन को घर के सामने की सड़क पर चलते या फिर कार को पानी पर दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। कैसा लगेगा अगर आप पानी के ऊपर तैरती हुई सड़क पर गाड़ी चला रहे हो? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दनादन कारें नदी में पानी के ऊपर से गुजर रही है। ये वीडियो कोई फेक नहीं है बल्कि सच है। यहाँ चलने वाली गाड़ियाँ पानी पर बने एक पुल पर से होकर गुजरती हैं। ये ब्रिज ऊपर की ओर नहीं बनाया गया है बल्कि इसे पानी पर ही इस तरह से बनाया गया है कि गाड़ियाँ पानी की लहरें महसूस करते हुए निकलती हैं। दुनिया में कई फ्लोटिंग ब्रिजेस हैं जो आपको जीवन भर का अनुभव दे सकते हैं। यदि आप दुनिया के बेमिसाल टूरिस्ट प्लेसेस को देखना पसंद करते हैं तो आज हम आपको दुनिया के 5 ऐसे फेमस फ्लोटिंग ब्रिजेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना दिखाई देगा। आइए डालते हैं एक नज़र इन विश्व प्रसिद्ध पुलों पर जिन्हें आप जल्द से जल्द देखना चाहेंगे। नंबर 1 पे है शिजिगुया फ्लोटिंग ब्रिज, चाइना। ये नज़ारा चीन के शिजिगुया प्रांत में घाटी में बहती हुई नदी के पुल का है जिसे अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये ब्रिज नदी पर तैर रहा है और गाड़ियां सरपट इस पर दौड़ती दिख रही है। इस ब्रिज का कमाल देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहां आते हैं और नदी में तैरने वाले ब्रिज पर गाड़ी चलाकर इसका आनंद लेते हैं। चीन के साउथ वेस्ट हुबेई प्रांत के जुआन काउंटी में मौजूद ये ब्रिज दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और देखने वालों को लगता है कि नदी उनके साथ ही चल रही है। चीन का यह ब्रिज लॉन्ग ब्रिज ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पोंटून ब्रिजेस में से एक है। यह एक देखने लायक दृश्य है क्योंकि यह ब्रिज एक खूबसूरत क्षेत्र में स्थित है जो शिजिगुआन के भीतर हरे भरे पेड़ों और एक नदी से घिरा हुआ है। लकड़ी का ये ब्रिज लोगों को एक अलग ही अनुभव देता है। ब्रिज पर चलने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे पानी की सतह पर चल रहे हों। ये ब्रिज एक घुमावदार नदी के ऊपर बना है जो 500 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। जंगलों के बीच बनी इस नदी से ब्रिज पर उठने वाली लहरें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। ये ब्रिज स्टील पोंटूनों से बना है जिसपे सिंगल लेन की सड़क और पैदल चलने का रास्ता भी बना है। इसमें कई सेंसर और कैमरे भी लगे हैं जो इसकी स्थिति और गति पर नजर रखते हैं। नंबर 2 पे है बेपोरे बीच फ्लोटिंग ब्रिज, केरला। भारत के केरल राज्य में बना यह पहला फ्लोटिंग ब्रिज पिछले साल 2022 में ही बनाया गया है। यह दुनिया के कुछ फेमस फ्लोटिंग ब्रिजेस में से एक है। केरल के कोझिकोड जिले में बेपोर बीच पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। समुद्र के ऊपर बना ये ब्रिज समुद्र की लहरों के साथ हिलता है। जब पानी की लहरें आगे बढ़ती है तो ब्रिज हवा के साथ झूलने लगता है। इस ब्रिज पर जाने के लिए यात्रियों को पहले लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। सुरक्षा कारणों से लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही उन्हें इस पर जाने की परमिशन मिलती है। इसके ऊपर घूम रहे यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि वे पानी के ऊपर चल रहे हों। ये फ्लोटिंग ब्रिज 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इसे हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन ब्लॉक से तैयार किया गया है और स्टील केबल से जुड़ा हुआ है। समुद्र के बीच में बने इस ब्रिज के लिए 7 किलो वजन के 1300 HDPE ब्लॉकस का यूज किया गया है। ये ब्रिक्स खोखली होती है जो पानी पर आसानी से तैर सकती है, इसलिए जरूरत के मुताबिक इसे इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। 3 मीटर चौड़ा ये ब्रिज लास्ट में 15 मीटर चौड़ाई का हो जाता है जहाँ से समुद्र का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। अगर इस ब्रिज की क्षमता की बात करें तो इस पर एक बार में 500 लोग जा सकते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट पहनाकर फिलहाल 50 लोगों को ही ब्रिज पर जाने की इजाजत मिलती है। अगर आप इस फ्लोटिंग ब्रिज पर जाना चाहते हैं तो किसी भी दिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। नंबर 3 पे है विलियम आर बेनेट ब्रिज, कनाडा। विलियम आर बेनेट ब्रिज ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना और वेस्ट बैंक को जोड़ता है जो ओकानागन झील तक फैला हुआ है। 3500 फीट लंबा यह फ्लोटिंग ब्रिज तैरता हुआ पिच कर सकता है, लुढ़क सकता है, अंगड़ाई ले सकता है,
ऊपर और नीचे जा सकता है और हवा के साथ साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। ये ब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 97 में गिना जाता है और इसमें 5 लेन है। हैवी ट्रैफिक से निपटने के लिए इसमें एक रिवर्सिबल लेन भी है। यह ब्रिज साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी सूटेबल है और एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है। एस एन सी लवलिन ने इस ब्रिज के डिजाइन और निर्माण का काम किया और 30 साल के लिए इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया। एस एन सी लवलिन के साथ पार्टनरशिप में बकलैंड एंड टेलर लिमिटेड डिजाइन फर्म भी थी। नंबर 4 पे है नॉर्डहोडलैंड ब्रिज, नॉर्वे। ये ब्रिज नॉर्वे के बर्गेन शहर के पास क्लावेंसेट और फ्लैटो आइलैंड को आपस में जोड़ता है, जो सनहो स्वजॉर्डन तक फैला हुआ है। यह ब्रिज लगभग 5,295 फीट लंबा और 1,640 फीट गहरा है। यह ब्रिज केबल स्टे और पोंटून ब्रिजेस को मिलाकर बनाया गया है। इस ब्रिज का पोंटून हिस्सा विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था, जिसका उपयोग नॉर्वे में ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही अनोखा और प्रभावशाली ब्रिज है। 1994 में बने इस ब्रिज में कारों के लिए 2 लेन और 1 पैदल चलने का पथ भी है। इसे आज जैकोब्सन ने डिजाइन किया था और इसका निर्माण नॉर्वेजियन कॉन्ट्रैक्टर्स एकर एंटरप्रेनर द्वारा किया गया था। फजॉर्ड की अत्यधिक गहराई को देखते हुए ऐसा लगता है इसका साइड लंगर सिस्टम बहुत महंगा रहा होगा। नंबर 5 पे है होमर एम हैडली मेमोरियल ब्रिज, अमेरिका। ये फ्लोटिंग ब्रिज अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल मेट्रोपॉलिटन एरिया में है। इसे थर्ड लेक वाशिंगटन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का 5वां सबसे लंबा फ्लोटिंग ब्रिज है और इसकी लंबाई 5,811 फीट है। इस ब्रिज का एक पुराना हिस्सा 1990 में रिपेयरिंग करते वक्त डूब गया था, लेकिन 1993 में नया हिस्सा बना दिया गया। यह थर्ड लेक पर बना हुआ है, जो मर्सर आइलैंड, वाशिंगटन और सिएटल को आपस में जोड़ता है। इसका नाम होमर हैडली के नाम पर रखा गया है। इस ब्रिज में साइकिल और पैदल पथ के साथ साथ एक रिवर्सिबल एक्सप्रेस लेन भी है। 1989 में बने इस ब्रिज की निर्माण लागत $97 मिलियन। दोस्तों, दुनिया भर के ये अद्भुत फ्लोटिंग ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि प्राकृतिक आकर्षण के रूप में भी काम करते हैं, जो नेचर की सुंदरता और विविधता को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 अद्भुत फ्लोटिंग ब्रिज। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।